ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरेंद्र सहवाग जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, नए साल की क्या प्लानिंग है? नए साल पे हम लोग रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं, दिल्ली वर्सेज कर्नाटका। 30 तारीख से शुरू होगा, 2 को खत्म होगा, तो पता नहीं चलेगा पुराना साल कब चला गया और नया कब आ गया। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि मैचेस चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, आप काफ़ी खेलते हैं, फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट टाइम उनको आप दे पाते हैं? जब से IPL के बाद से मैं वापस इंडियन टीम में के लिए नहीं खेला हूँ, तो पूरा टाइम फैमिली के साथ रहता हूँ। हम लोग बाहर अमेरिका गए, घूम के आए 1 महीना, वापस आए, फर्स्ट क्लास सीजन स्टार्ट हुआ, तो जितने मैच दिल्ली में थे तो ओबियसली घर में ही रहे, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ रहे। और अब कोशिश ये है कि जब कम बैक करने की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाओ, वापस कम बैक करूँ, तो होपफुली जब जब तक नहीं होती तब तक तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फैमिली, बीवी बच्चों के साथ बाहर जाते हैं घूमने, मूवीज़ देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि जब अपना क्रिकेट में बिजी थे तो कम टाइम बिता पाते थे फैमिली के साथ, लेकिन अब फ्री हैं तो अब ज़्यादा टाइम बिताते हैं। जो आपका बेटा है कभी फॉलो करता होगा आपको, कभी कोई टिप्स मिलते हैं बच्चों की तरफ से, बेटे की तरफ से, क्योंकि अब क्योंकि बड़ा मज़ा आता है उनकी तरफ से सुनना जब आपको खेलते हुए देखते हैं, पापा आप प्लीज़ ये कीजिए ये कीजिए, किसी तरीके से टिप्स तो नहीं, बट मेरे कमेंट कभी मिलता हो? मेरे दोनों बेटे बड़े क्रिटिक्ट हैं मेरे लिए, तो वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब से वो थोड़ा उनको क्रिकेट के बारे में पता चला है तब से मेरे स्कोर नहीं बन रहे, तो वो हमेशा पूछता है कि पापा आप कब बड़े रन बनाओगे, तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूँ कि बेटा बहुत जल्द बनाऊंगा। तो वो बड़े खुश हुए थे जब वो दिल्ली वर्सेज मुंबई IPL का मैच था, तो मैंने 94 बनाए थे नॉट आउट और हम मैच जीते थे, तो उस मैच में वो दोनों बड़े खुश थे, ग्राउंड पर थे, देख रहे थे, तो जब क्राउड वीरू वीरू या सहवाग सहवाग चल रहा था तो वो बड़े खुश होते हैं, तो घर में आके वैसे ही चल रहे हैं दोनों, कि मेरे को वो माहौल याद दिलाता है कि पापा जब आप खेल रहे थे तो सारा ग्राउंड ऐसे चला रहा था आपके लिए। कभी स्टाइल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यू वेरी लाइक सिंपल गाय, कभी बच्चों कहते हैं कि पापा के नहीं थोड़ा सा प्लीज फैशनेबल जरूरी है क्योंकि आप स्कूल अभी जाते वो इतने बड़े नहीं है, अभी वो इतने बड़े नहीं है, अभी 6 और 3 साल के हैं, तो अभी उन्हें फैशन की नॉलेज नहीं आई है, बट हाँ वो अपने बालों में अभी से थोड़ा स्पाइक जरूर बनाने लग गए हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तैसे वैसे वैसे उनको फैशन की भी नॉलेज होगी, तो वो तब ज़रूर कहेंगे। तो बट हाँ अभी वो ये ज़रूर कहते हैं, कमेंट ज़रूर करते हैं जब हम लोग कहीं बाहर डिनर पर जाते हैं कि पापा ये कपड़े अच्छे हैं, ये नहीं पहनो, ये पहनो, तो ये ज़रूर कहते हैं, लेकिन अभी उतना फैशन का उन्हें नॉलेज नहीं आया है। लेकिन आप फैशन की बात बहुत कम करते हैं, लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र सहवाग का फैशन स्टेटमेंट क्या है? आई थिंक मुझे पसंद है कि मैं कैजुअल ज़्यादा पहनूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टूर पे रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें जितने कैजुअल स्टफ़ हम पहनते हैं वो पहने, जीन्स टी शर्ट्स या हाफ स्लीव्स के शर्ट्स या सूट्स बहुत कम पहनते हैं, लेकिन अब क्योंकि कभी सर्दियों में डिनर पे जाना पड़ता है, मूवीज़ जाना पड़ता है, तब कोशिश करते हैं कि हम लोग सूट्स पहन के जाएँ, या किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फ्रेंड की शादी है, रिलेटिव की शादी है, तो वहाँ सूट्स पहन के, बट जनरली मैं कैजुअल स्टफ़ बहुत पहनता हूँ। और क्या क्या पसंद है सहवाग को? क्या गाना सुनना, हमने सुना था कि काफ़ी पसंद है, किस तरीके का जोनर का गाना आप सुनना पसंद करते हैं? आई थिंक मेरे पास कलेक्शन है गानों की किशोर कुमार के, कम से कम 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ तो इससे ज़्यादा नहीं गा सकता, तो अंतरा भी मुझे याद नहीं होता okay. तो बट जनरली इतना ही गाते हैं, तब तक बोला रह जाता है और मुझे बोल खेलनी पड़ जाती है। तो जब कभी मूड ख़राब होता है या उदास होता है तो उन गानों को लगा लेते हैं, स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम पे लगा लेते हैं ज़ोर से सुनने के लिए, या कभी आईपॉड लगा लेते हैं कानों में। मूवीज़ देखना पसंद है, मूवीज़ देखने जाते हैं, रिसेंटली भी हम Dhoom 3 देख के आए हैं। बच्चों के साथ खेलना पसंद है, डॉग्स के साथ खेलना पसंद है, मेरे पास 4 डॉग्स हैं, बुल मैस्टिफ, डॉबरमैन, ग्रेट डेन और जर्मन शेफर्ड, और बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं तो अच्छा टाइम पास होता है उनके साथ। घर का खाना पसंद है, मेरी मदर जब भी बनाती हैं सर्दियों में हरा साग या गर्मियों में कढ़ी, वो घर का खाना पसंद है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से बाहर खेल रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो बाहर का खाते थे, जब भी घर आते तो घर का खाना बहुत पसंद है। सहवाग को अगर कहा जाए कि अब क्योंकि ड्रीम कम ट्रू था, हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो आपके फादर ने ड्रीम देखा वो हम पूरा करें, अब आपकी क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा ड्रीम फ़िलहाल तो अभी इतना ही कि मैं वापस कम बैक करूँ इंडियन टीम में, और क्योंकि एक बार जब ड्रीम पूरा हो जाता है तब आदमी की इच्छाएँ और बढ़ जाती हैं कि दूसरा ड्रीम, तीसरा ड्रीम आ जाता है, तो अभी फ़िलहाल एक ही, यही पहले इंडिया के खेलने का ड्रीम था, फिर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने का ड्रीम था, अब वापस इंडिया के लिए खेलने का ड्रीम है कि भी मैं ड्रॉप हूँ तो कम बैक करूँ,
और जब शायद रिटायर होऊंगा तो उसके बाद कोई और ड्रीम आएगा, तब आपको ज़रूर दोबारा बुला के बताएंगे कि क्या ड्रीम है। हरियाणा जैसा जो कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से हमने बात करी है, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि जो कोचिज़ हैं, कोचिज़ का जो इंटरनेशनली जब हम जाते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कई ड्रॉबैक्स हमें देखने पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कोचिज़ हैं उनको किस तरीके से उनका चॉइस किया जाए, क्योंकि कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ने हमें ये भी कहा है कि जो कोचिज़ हैं हमारे इंडियन कोचिज़ वो बाहर बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके कोचिंग दे रहे हैं, हमें दें तो ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि जो इंडियन निकलता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होती है रिटायरमेंट के बाद, उनको इंडिया में ही रह के उनको कोचिंग देना? देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि कोचेस प्लेयर नहीं बनाते, प्लेयर कोचेस का नाम करते हैं जी। क्योंकि अगर आप अगर एक कोच ने एक प्लेयर बनाया और वो दावा करता है कि मैंने इस प्लेयर को बनाया जी, तो वो और भी प्लेयर बना सकता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी बड़ा कोच ले लीजिए उसका एक प्लेयर होता है, क्योंकि बिकॉज वो प्लेयर ही इतना टैलेंटेड होता है कि वो खुद सब चीज़ें खेलता रहता है और जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता अपना नाम करता है, वो कोच का भी नाम करता है। लेकिन उसी कोच के दूसरे प्लेयर नहीं आ पाते क्योंकि वो दूसरा कोई टैलेंटेड आ नहीं पाता। तो मेरा ये मानना है कि कोचेज जो हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको, ताकि बता सकें, और जो टैलेंटेड प्लेयर होता है वो अपनी राह खुद चुनता है, वो अपनी परफॉर्मेंस खुद करता है, बट वो इतना हम्बल होता है कि वो क्रेडिट अपने कोचेज को देता है। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोचेज प्लेयर नहीं बनाते, प्लेयर कोचेज का नाम करते हैं। चाहे आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोचेस जो भी हैं उनके अगर उनमें ऐसी बात होती तो वो 10 15 20 25 प्लेयर बनाते, एक ही क्यों? और जो कोचेस के बारे में आपने कहा कि हमारे अच्छे कोचेस बाहर जाकर कोचिंग कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है अगर जो भी प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स में हो, मैं क्रिकेट में हूँ तो मुझे मालूम है, मैं अपनी वीडियोज़ देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे करनी है। उसके लिए कि मैंने कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो शायद मैं किसी एक्स क्रिकेटर्स के पास जाके पूछ सकता हूँ कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या टेक्निक हो सकती है। तो वो आपको 10 सजेशन देंगे, मतलब 10 अलग अलग लोग, बट उनमें से एक ही सजेशन आपको क्लिक होगा, और जब वो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मेरी इम्प्रूवमेंट होगी, तब वो इम्प्लीमेंट कीजिए, बाकी नौ को भूल जाइए। मतलब आपको लगता है कि जो कोचिस के जो बात करते हैं वो जस्ट एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि प्लेयरों को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अच्छे कोचेज वहाँ हैं या अच्छे कोचेज यहाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ जो भी कोचेज हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि एक प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर आप सुशील कुमार को ले रेसलिंग में, तो उनमें खुद ही इतना टैलेंट है, क्योंकि जब वो बचपन में कुश्ती लड़ते थे तो उन्हें दाव पेच जो भी सिखाए गए वो उसके बाद अपने आप इम्प्रूव करते चले गए, क्योंकि वो जब ओलंपिक में खेलते हैं तो दूसरे प्लेयर की वीडियो देखते हैं कि वो कौन से दाव लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, मेरे को कैसे टैकल करना है। उसमें कोई किसी का रोल नहीं होता और दूसरे बंदे का, क्योंकि वो खुद वीडियो देखते हैं और खुद डिसाइड करते हैं इस दाव को मैं ऐसे टैकल करूँगा, इस दाव को ऐसे टैकल करूँगा, फिर मैं ये दाव लगाऊंगा। ऐसे ही जब मैं अपनी बैटिंग करता हूँ, जब रन नहीं बनते तो मैं चाहे किसी से भी बात कर लूँ, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब तक मैं अपनी खुद की वीडियो देखूँ और फिर डिसाइड करूँ ओके मेरी ये गलती हो रही है, मैं इसको ऐसे इम्प्रूव करूँ। खुद आपसे, खुद एक इंसान अपना सबसे बड़ा जज होता है, अगर वो कैलिबर खुद ही जानता है कि कितना कैलिबर है, कैसे कहाँ पे कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि जब मैं खेलता हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था, कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आ रहा था और मैं उसको कैसे हटा सकता था, या कैसे पॉजिटिव थॉट ला सकता था, या कैसे इम्प्रूव कर सकता था, या उस बॉल पे क्या नहीं कर सकता था कि मैं आउट नहीं होता। तो ये सब मेरे अंदर के सवाल हैं, अगर मैं उन्हीं के जवाब ठीक से ढूंढ लूँ तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपका स्कूल है, अब आप स्कूल चला रहे, गेस्ट फैकल्टीज जो हम कहते हैं कि जब डिमांड होती है, बच्चे कई बार कहते होंगे वीरू सर हम मुझे उस प्लेयर से बुला के प्लीज़ एक बार कोचिंग करना है, वो कैसे बॉलिंग करता है, उनका टैग समझना है, बॉलिंग को लेके, बैटिंग तो आप जाहिर है आपसे आप देते होंगे, तो कितना आप फोकस रखेंगे गेस्ट फैकल्टीज पे भी, डिमांड पे? क्योंकि वो सब चीज़ हम लोग कोशिश करें कि समर कैंप्स में इंट्रोड्यूस करें, कि जब समर कैंप या विंटर कैंप लगाएं यहाँ पर अकेडमी में, तब फास्ट बॉलर या स्पिनर या दूसरे बैट्समैन को बुलाएं और वो अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर उनके कोई सवाल है तो वो बताएं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब एक टेस्ट फास्ट बॉलर या टेस्ट स्पिनर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है बच्चों के साथ, बताता है कि उसने जब आपकी उम्र में था तो ऐसे ऐसे मेहनत की, ऐसे जैसे सिंगल विकेट डालता था, कोन लगा के उसके पास बॉल डालने की कोशिश करता था, इन स्विंग ऐसे करता था, आउट स्विंग ऐसे करता था, वो बच्चों को बताता है तो वो उससे सीखते हैं और उन्हें बेनिफिट मिलता है।
चलिए ऑन द लाइटर नोट, हम आपसे जाने मूवीज़ का शौक है, कौन किसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसकी मूवीज़ ज़्यादा आपको पसंद है? आई थिंक मैं सब हर नई मूवी देखने जाता हूँ, जो भी नई मूवी लगती है अच्छी मूवी लगती है। एक्टर कौन पसंद है? एक्टर अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कौन एक्टर नहीं पसंद, ऋतिक रोशन, नयों में रणबीर कपूर। एक्ट्रेस की बात करें? एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित। कौन सी कितने गैजेट फ्रीक हैं सेहवाग? मुझे काफ़ी शौक है गैजेट्स का, स्पेशली टेक्नोलॉजी का काफ़ी शौक है। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है मैं कोशिश करता हूँ कि उनको देखूँ, सीखूँ और अपने अगर यूज़ कर सकूँ अपनी लाइफ में तो ज़रूर यूज़ कर सकूँ। जब क्रिकेट नहीं खेलते तो कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग। सबसे अभी तक सबसे बेस्ट आपको कौन सा कोच लगा है इंडियन टीम के लिए? गैरी कस्टर। अगर सबसे कॉम्पिटिटर टीम अगर हम इंडिया की माने इंटरनेशनल में कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। सेहवाग को इंडियन खाना कितना पसंद है? जितना एक इंडियन को या जितना एक हरियाणवी को मैं कह सकता हूँ। सेहवाग गाने के साथ साथ और कौन कौन से डांस कितना अच्छा करते हैं? डांस का शौक नहीं है, सिर्फ गुनगुनाने का शौक है। सेहवाग को अब तक की सबसे बेस्ट जो मूवी लगी है, जो उनकी फेवरेट मूवी है, वो कौन सी है? शोले। जाते जाते आपकी तरफ से आपके फैंस को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि जो लाइफ में आप करना चाहें वो कीजिए, उसको बैक कीजिए और अपने आप पे भरोसा बहुत होना चाहिए। चाहे कोई भी काम कीजिए, अगर आपके ऊपर भरोसा है अपने आप अपने ऊपर तो आप वो काम कर सकते हैं। सपने ज़रूर देखिए, क्योंकि सपने देखोगे तो सपने पूरे होते हैं। मैंने भी सपना देखा था कि मैं एक क्रिकेटर बनूंगा, तो बना। तो शायद अगर आप भी कोई सपने देखें तो उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत और अपने ऊपर भरोसा रखें तो सपने ज़रूर पूरे होंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और खिलाड़ी जो करेगा डायरेक्ट दिल से आपसे बात। नमस्कार।